नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। अब विंध में भी कोरोना महामारी की दस्तक हो गई है। रीवा के प्रतिष्ठित डॉक्टर को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन के होश उड़ गए। आनंद फानन में नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। साथ ही इनके संपर्क में आए हुए अधिकतर एक दर्जन से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पूरे देश दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन विंध अभी तक इससे अछूता था। 25 अप्रैल दिन शनिवार रीवा के लिए बुरी खबर लेकर आया। बुरी खबर इसलिए रीवा में कोरोना वायरस, वह भी एक डॉक्टर को। जी हां, रीवा के एक बड़े डॉक्टर, हॉट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सिंघल, जो पिछले कई दिनों से कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, उनका लगातार इलाज हो रहा था। 12 तारीख को वह रीवा लौटे थे। अभी 2-3 दिन पहले वह अपने कीमोथेरेपी कराने के लिए दिल्ली गए थे। तबीयत खराब होने की वजह से उनकी कीमोथेरेपी नहीं हो पाई, लेकिन कोरोना का टेस्ट हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर सिंघल रीवा में नहीं है। फिर भी पुलिस ने एहतियात के चलते डॉक्टर सिंघल के रीवा में रहने के दौरान जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी लिस्ट बनाना प्रारंभ कर दिया है। उनको क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर सिंघल के परिवार में उनके पिता, उनकी बहन, उनकी माँ और उनका बेटा इन दिनों रीवा में है। साथ ही ड्राइवर, खाना बनाने वाले, नर्सिंग होम में काम करने वाले लोग भी माना जा सकता है लगातार उनके टच में रहे होंगे। पुलिस ने उस रोड को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। इस खबर पर हम लगातार नजर रख रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं रीवा CSP शिवेंद्र सिंह इस मामले में पत्रकारों को क्या कुछ बता रहे हैं। इसी दौरान हमने डॉक्टर राजेश सिंघल के आसपास रहने वाले लोगों से बात की, उनकी बातचीत भी जरूर सुनिए। तनिषा नर्सिंग होम है, इसके मालिक डॉक्टर राजेश सिंघल, इनको कैंसर की बीमारी है और अपना कैंसर का इलाज कराने संभवतः 22 फरवरी को ये दिल्ली गए थे। दिल्ली में कोई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए थे, लेकिन मैं ये वहाँ अपना कीमोथेरेपी कराना चाह रहे थे, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसमें उनका कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये 13 अप्रैल को वहाँ से लौट के वापस आ गए थे। अभी 22 अप्रैल को दोबारा ये कीमोथेरेपी कराने जब वहाँ गए, दिल्ली गए, क्योंकि वहाँ पर जाँच की गई और जाँच करने के दौरान ऐसी जानकारी हमको मिली है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हाँ, ये हम लोग वही जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ वो 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कौन कौन से हुई है, किसके संपर्क में आए हैं ये, और उन लोगों की हम लोग लिस्ट बना रहे हैं और शीघ्र ही जो है उनको उनके लिस्ट हम लोग पूरी बनाने के बाद ये पूरा एरिया जो है ये जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और साथ ही जिसको आवश्यक समझेंगे उसको क्वारंटाइन भी किया जाएगा और उनकी जांच भी की जाएगी। खतरा हो रहा है हम लोगों के लिए भी, और शुरुआत भी रीवा की अगर हुई है तो हमारे मोहल्ले से हुई है, वो भी एक डॉक्टर से, जिनसे यानी सोच नहीं सकता कि आदमी इतना इसके पहले इतनी बड़ी गलती होगी उनसे। डॉक्टर सिंघल को आपने लास्ट अंतिम बार कब देखा था? नहीं, उनको देखने का सौभाग्य तो हम लोग को बहुत कम मिलता था, बहुत कम। वही आते जाते जब कभी गाड़ी में वो निकलते थे अपनी गाड़ी में बैठ कर, तो दिख जाते थे कि हाँ जा रहे हैं या आ रहे हैं, बस यही था हम लोगों का संपर्क। बीमार थे, इलाज के लिए गए थे। ये सुनने में आया था कि वो इलाज के लिए उनको कुछ कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है तो दिल्ली वो ऑपरेशन कराने गए हैं, ये सुनने में आया था। फिर सुनने में आया कि वो वापस आ गए हैं। फिर अभी परसों नरसों एम्बुलेंस वगैरह खूब खड़ी थी तो पता चला, लोगों से पता चला कि वो फिर दिल्ली जा गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो और आज अब सभी से पता चल रहा है कि उनको कोरोना निकला, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों को किस तरीके से अब आप अपने घर के अंदर रखने की कोशिश करें? कोशिश नहीं, अपने बच्चे तो घर में ही हैं जब से ये शुरू हुआ तब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दुबे है। किस तरीके से, क्या अंदर से आपको भय है, कैसा क्या है, अब जबकि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है? अब जाँच तो होनी चाहिए सबकी। आप लोग के परिवार में किस तरीके से, अब आप किस तरीके से आपकी दिनचर्या होगी, बच्चों को कैसे रखेंगे, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? अब हो गया, हम लोग अंदर रहेंगे, बाहर तो आ नहीं सकते, सभी लोग अंदर रहेंगे, सुरक्षा करेंगे भी। क्या नाम है आपका? अनिल तामलकार।
तीसरे नंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तीसरे नंबर में। परिवार में कौन कौन था और आपको कैसा लग रहा, किस तरीके का, क्या भय है आपको, डर है आपको? भय डर इसलिए नहीं कि बाहर थे, दिल्ली में थे, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो आए हैं, एक दो दिन लगातार रुके हैं, इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर चले गए। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में उनके उनकी माँ है, उनके पापा हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा बाहर रहता था, उनके कर्मचारी हैं 7-8। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश सिंह लोकेट। रीवा के लिए दुखद खबर। मैं जिस जगह पर खड़े हूँ मैं आपको दिखाऊँ, मेरे ठीक टीवी स्क्रीन पर इस समय आप जो गली देख रहे हैं उस पर गली पर एक तनिषा हॉस्पिटल है, डॉक्टर सिंघल का ये अस्पताल है, उनको कैंसर की बीमारी है। वो 12 तारीख को रीवा आए थे, 12 तारीख के आने के बाद अभी वो दोबारा जब दिल्ली गए कैंसर के इलाज के लिए, कीमो लेना था लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको कीमो नहीं दिया गया। उसके बाद उनकी वहाँ पर दिल्ली में कोरोना जाँच की गई, उसमें वह पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खबर जैसे ही रीवा आई, रीवा में एक तरीके से तहलका सा मच गया है। मैं आपको बता दूं अभी तक कोरोना का एक भी पेशेंट रीवा में नहीं पाया गया था। डॉक्टर सिंघल हालांकि रीवा के रहने वाले हैं, रीवा में अभी थे भी, लेकिन इस दौरान वो दिल्ली में हैं। पुलिस अब उनसे मिलने जुलने वालों की लिस्ट बना रही है, पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है डॉक्टर सिंघल ने रीवा में किन से मुलाकात की, उनके यहाँ कौन कौन आया, कौन कौन गया था। परिवार के तमाम लोग हैं उनके यहाँ पर, घर में तमाम लोग मौजूद हैं, उनका अस्पताल है, अस्पताल में भी मरीज एडमिट हैं। निश्चित रूप से अब यहाँ पर सबको क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस लिस्ट बनाने की बात, इस जगह को सील करने की बात कर रही है। सील करने के बाद यह तय होगा कि इस सड़क से अब किस तरीके से आवागमन और तमाम तरीके की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। निश्चित रूप से रीवा के लिए एक दुखद खबर। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, साथ ही सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए और अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।